देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हम सफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों जय हिंद। हम हैं एडवोकेट सुधीर एच ताइडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले और ब्लू टाइगर कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले तमाम श्रोताओं का और तमाम दर्शकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज कानून की दो बातें इस सेगमेंट में भारत के तमाम दर्शकों का, तमाम श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों कानून की जो दो बातें हैं, इस सेगमेंट को ब्लू टाइगर न्यूज चैनल में क्यों शुरू किया गया है और ये कानून की दो बातें ये सेगमेंट किन लोगों के लिए है। बहुत सारे पत्रकार पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हैं और वो चाहते हैं कि कानून की कुछ प्राथमिक जानकारी उनको होनी चाहिए, कुछ LLB की लॉ की पढ़ाई। कुछ लोग 5 वर्ष का लॉ का डिग्री कोर्स करते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद में लॉ पार्ट 1 सेकेंड ईयर फाइनल 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं और वो भी चाहते हैं कि हमें कुछ कानून, जो भिन्न भिन्न कानून हैं, उनके कुछ ना कुछ जानकारी हमारे पास में हो। उसके बाद में कुछ लोग सामाजिक संगठन में काम करते हैं, उनको बार बार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो उनको बार बार पुलिस थाने में जाना पड़ता है। तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, सामाजिक संगठन में काम करने वाले महिला और सामाजिक कार्यकर्ता ये भी चाहते हैं कि हमें थोड़ी कानून की जानकारी होनी चाहिए। और LLB लॉ की डिग्री लेने के बाद कुछ लोग नए नए इस वकालत के व्यवसाय में प्रवेश करते हैं और उनको भी ज़्यादा जानकारी होती नहीं है, तो वो अपने वकालत का व्यवसाय जब शुरू करते हैं उनके पास नए नए आपराधिक मामले आते हैं, नए नए केसेस उनके पास में आते हैं। वे भी चाहते हैं कि हमें कुछ कानून के बारे में प्राथमिक जानकारी हो। तो पत्रकारों को जानकारी मिले, जो लॉ की डिग्री का कोर्स कर रहे हैं उन्हें जानकारी मिले, सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक संगठन में जो कार्यकर्ता, जो महिलाएं काम कर रही है उन्हें जानकारी मिले, और जो लोग वकालत क्षेत्र में नए नए उन्होंने उस वकालत क्षेत्र में जिनका प्रवेश हुआ है उनको भी जानकारी मिले। इन तमाम वर्गों को जानकारी देने के लिए कानून की दो बातें इस सेगमेंट को हमने शुरू किया है। दोस्तों हमारे पास में ये अंग्रेजी की किताब है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये हमारे पास में अंग्रेजी की किताब है और एट्रोसिटी एक्ट ये हमारे पास में मराठी भाषा में लिखी हुई किताब है जिसका हिंदी में अनुवाद होता है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून या प्रतिबंधक अधिनियम 1989। तो दोस्तों जब हम कोई भाषण देते हैं या कोई हम कविता सुनाते हैं, कोई रचना सुनाते हैं, कुछ हम व्याख्यान देते हैं, तो उसमें हम मन की अपनी बातें उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन जब भी हम संविधान के बारे में अगर हमें जानकारी देनी है या किसी कानून के बारे में जानकारी देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमें जो किताब में जो जानकारी दी है, जो प्रावधान है, उसके बारे में उसको वो मर्यादा को रखकर ही हमें जानकारी देनी होती है। और कानून के सेक्शन में हम अपने मन से कोई ज़्यादा ऐड कर सकते नहीं है, उसमें का कोई डिलीट नहीं कर सकते और अपने मन से जानकारी नहीं दे सकते। तो आज के
तारीख में हम आपको एट्रोसिटी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों, एट्रोसिटी जो एक्ट है, यह विशेष करके एसटी एंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इन ये जो कैटेगरीज है, इसमें भारत में तमाम जितनी भी जातियां जितनी भी जनजातियां आती है उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए और उनको सुरक्षा देने के लिए और उनके ऊपर में सवर्ण जाति से जो बार बार अत्याचार अन्याय होते हैं उस अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। और ये कानून ये किसी राज्य का कानून नहीं है, ये केंद्र सरकार का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है, भारत सरकार का कानून है। और ये कानून किसी एक राज्य को लागू नहीं है तो पूरे भारत देश में जितने भी स्टेट्स है जितने भी राज्य है हर राज्य को ये कानून लागू है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो सवर्ण जो लोग अनुसूचित जाति के नहीं है, द पीपल दोज हु आर नॉट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट कैटेगरी एंड शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, जो लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नहीं है, ऐसे लोग अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को किसी आपराधिक मामले में किसी गंभीर आपराधिक मामले में फंसाने के लिए अगर फेक एविडेंसेस अगर झूठे सबूत तैयार करते हैं तो यदि सवर्ण समूह द्वारा या सवर्ण जाति के शख्स द्वारा अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को झूठे काल्पनिक आपराधिक मामले में फंसाने के लिए अगर कोई झूठे सबूत तैयार करते हैं तो उनके खिलाफ में इस एट्रोसिटी एक्ट में क्या प्रावधान है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अब मेरे पास में जो किताब है इसमें एट्रोसिटी एक्ट 1989 मेन सेक्शन 3 उसका सब सेक्शन 2 और 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों सब सेक्शन में इसके सजा उनको क्या हो सकती इनके बारे में प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, 3-2-1 में देखिए, यदि सवर्ण जाति का कोई शख्स अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष बेकसूर व्यक्ति को आपराधिक मामले में फंसाने के लिए झूठे सबूत तैयार करता है, और कौन से आपराधिक मामले में और ऐसे सबूत तैयार करता है कि उस झूठे सबूत के आधार पर उस निर्दोष बेकसूर अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को उम्र कैद की सजा अगर हो जाती है और उसके बाद में यह पता लग जाता है कि किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को झूठे सबूत बनाकर झूठे आपराधिक मामले में फंसाया है और जिसमें उसे उम्र कैद की सजा हुई है, तो ऐसे मामले में जिस झूठे मामले में अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हुई है तो ऐसे सवर्ण जाति के व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का यानी मौत की सजा देने का प्रावधान है। यह हो गया सब सेक्शन मेन सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 और उसमें का स्मॉल 1। अभी 3-2 में क्या दिया हुआ है, यदि
कोई व्यक्ति, कोई सवर्ण व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है, ओपन कैटेगरी का है या सवर्ण जाति समूह से है, वो किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को झूठे सबूत तैयार करता है ताकि उस व्यक्ति को, उस निर्दोष अनुसूचित जाति के जनजाति के व्यक्ति को कम से कम जिसमें उसे 7 साल की सजा हो सकती है या 7 साल से ज़्यादा भी सजा हो सकती है, इस ऐसी सजा देने के लिए अगर कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति अगर प्रयास करता है तो उस सवर्ण जाति के व्यक्ति को कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सजा का प्रावधान एट्रोसिटी एक्ट के 322 में किया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है कि यदि सवर्ण जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए यदि आग लगा देता है तो ऐसे सवर्ण जाति के व्यक्ति को कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के सजा का प्रावधान 323 के तहत किया गया है। चौथा है कि यदि कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति या सवर्ण जाति का समूह अनुसूचित जाति का व्यक्ति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति या अनुसूचित जाति का समूह या अनुसूचित जनजाति का समूह जिस मकान में निवास करते हैं, यदि उस अनुसूचित जाति के मकान को या अनुसूचित जनजाति के मकान को सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा या सवर्ण जाति के समूह द्वारा अगर किसी प्रकार का विस्फोटक लगाकर अगर उसको अगर नुकसान पहुंचाया जाता है या उसे जलाया जाता है तो यहाँ पर सजा का प्रावधान दिया गया है कि उन्हें सजा है उम्र कैद की सजा होगी। यानी अनुसूचित जाति जनजाति या जनजाति के लोग अपने मकान में निवास करते हैं और निवास करने वाले मकान में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को या अनुसूचित जनजाति के लोगों को जान से मारने के लिए अगर सवर्ण जाति के लोग या सवर्ण जाति का जात समूह अगर कोई विस्फोट लगाकर उस निवास स्थान को जलाने की कोशिश करता है या जला देता है तो ऐसे सवर्ण जाति के व्यक्ति को या सवर्ण जाति के समूह को उम्र कैद की सजा का प्रावधान 324 में किया गया है। अब आते हैं 325 के तहत। यह महत्वपूर्ण है, यदि सवर्ण जाति का व्यक्ति अगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ ऐसा कोई गंभीर अपराध करता है जिस अपराध को सजा कम से कम 10 वर्षीय की है, ऐसा कोई भी अपराध जिसमें सजा 10 वर्ष का प्रावधान है, अगर यह अपराध अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ सवर्ण व्यक्ति के द्वारा या सवर्ण लोगों के द्वारा जिसमें 10 साल का सजा का प्रावधान हो अगर किया जाता है तो उसमें उस सवर्ण जाति के व्यक्ति को या
सवर्ण जाति के लोगों को उम्र कैद के सजा का प्रावधान 325 के तहत में किया गया है। कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। यदि कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति के अनुसूचित जाति या जनजाति के महिला के साथ में अगर बलात्कार करता है तो उसे उम्र कैद की सजा इसमें हो सकती है। और यदि अनुसूचित जनजाति का या अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की अगर सवर्ण जाति का व्यक्ति अगर सवर्ण जाति के लोग हत्या कर देते हैं, उसका अगर मर्डर कर देते हैं जिसमें उनको 20 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है, ऐसे स्थिति में उन लोगों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। तो 325 में ऐसा है कि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति या सवर्ण जाति का समूह अगर ऐसा अपराध करता है जिसमें कम से कम सजा का प्रावधान 10 वर्ष का हो, ऐसा अपराध अगर सवर्ण जाति का व्यक्ति या सवर्ण जाति के लोग करते हैं तो उन्हें उम्र कैद के सजा का प्रावधान 325 में किया गया है। तो ये हमने आज इसका हमने आपको जानकारी दी है। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोई भी सवर्ण जाति, हमने जो पहले 1-2 जो महत्वपूर्ण इसमें 3-2, 1-2 इसमें हमने देखा कि सवर्ण जाति के व्यक्ति अगर अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को झूठे या काल्पनिक आपराधिक मामले में झूठे सबूत के आधार पे अगर अटकाते हैं और उनके खिलाफ में फौजदारी प्रक्रिया शुरू करवाते हैं, पुलिस स्टेशन की कार्रवाई शुरू करवाते हैं, कोर्ट कचहरी शुरू करवाते हैं और तकलीफ देते हैं, तो उनके रक्षा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून 1989 3-2, 1-2 में ये प्रावधान किया है। और 3-2, 1-2, 3-4, 5 इसमें हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ अगर अत्याचार करते हैं, गंभीर आपराधिक मामले करते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं, घर जलाने की कोशिश करते हैं, जीवित हानि करने की कोशिश करते हैं, उनको झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा भारत का या भारत सरकार का जो कानून है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून 1989 इसमें क्या प्रावधान है, इसके बारे में आपको हमने आज जानकारी दी है दोस्तों। और इस जानकारी का आधार लेकर आप जब भी पुलिस थाने में जाते हो या कोर्ट के मामले में यदि आप नए एडवोकेट हो, आर्गुमेंट अगर करते हो, या आप पत्रकार हो और कहीं आप पुलिस थाने में आर्गुमेंट करते हो, तो यह जानकारी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब एडवोकेट सुधीर एच ताइडे को इजाजत दीजिए। अगली बार कानून की दो बातें, अगली बार कानून की दो बातें इस सेगमेंट में हम फिर से आपसे रूबरू होंगे कानून के कुछ प्रावधानों के साथ। अब एडवोकेट सुधीर एच ताइडे को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय संविधान, धन्यवाद।